भारत में हमेशा से ही जनता पर अफसरशाही हावी रही है। अभी अगरतला डीएम का मामला शांत ही हुआ था कि दो दिन पहले छत्तीसगढ़ से एक और ठीक वैसा ही मामला सामने आया था, जिसमें डीएम गुस्से में आकर एक युवक का मोबाइल पटक देते हैं और एक थप्पड़ भी रसीद कर देते हैं। इन दोनों ही मामलों में सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद एक और वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आया, जिसमें हम देख सकते हैं अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय एक युवक को थप्पड़ मारती हुई दिख रही है। वीडियो में एडीएम के साथ कई पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं और दुकानें बंद भी करवा रहे हैं। इसी दौरान एडीएम लड़के को एक थप्पड़ जड़ देती है। मामला था कर्फ्यू में दुकान खोलने का। यह घटना दो दिन पहले यानी 22 मई का है, जो अब सामने आया है। हमारा जो सरकारी तंत्र है वो अभी भी निर्मम निष्ठुर बना हुआ है। वो ना देखता है, ना सुनता है और ना बोलता है। बोलता है तो बस उनका थप्पड़ और डंडा। मान लेते हैं इन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, लेकिन क्या उनको सीधे ही थप्पड़ मार देना, लात गुस्से मार देना, डंडा मार देना उचित है? आखिर कब तक हम यूं ही अपने ही देश में इस तरह जलील होते रहेंगे? कहने को तो नौकरशाही में ये जनता के सेवक होते हैं, लेकिन इस तरह का इनका रवैया कतई माफी के लायक नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।